अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिंग साउंड, यानी साउंड की इन्वेस्टिगेट, उसकी तहकीक, ठीक है। और साउंड के बारे में हमारा पूरा चैप्टर होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। वी आर सराउंडेड बाई साउंड, हम जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो साउंड है, आवाज़ है हर तरफ। देर इज़ अ ग्रेट वराइटी ऑफ साउंड, और साउंड की बहुत सारी वराइटीज़ होती हैं, ये मुख्तलिफ तरह की होती है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ साउंड की एक ही टाइप है और वही आवाज़ हमें सुनाई देती है, ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें जो है वो हम सुन रहे होते हैं। साउंड इज़ ऑल अराउंड अस लाइक एयर, ये हमारे हर तरफ होती है जैसे हवा, ठीक है। हवा की तरह, एयर की तरह ये हमारे हर तरफ मौजूद होती है। हैव यू नॉट लिसन दीज साउंड्स, कुछ साउंड्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्या आपने ये कभी नहीं सुनी? बिल्कुल सुनी होंगी। सबसे पहले है द कॉल ऑफ योर स्वीट मदर टू अवेक यू, यानी जब आपकी अम्मी सुबह सुबह आपको उठाती हैं, ठीक है, वो वाली स्वीट वॉइस बिल्कुल आप सुनते होंगे रोज। दूसरे नंबर पे है द साउंड ऑफ वाटर रनिंग इन द सिंक, सिंक में बहते हुए पानी की साउंड, ठीक है। द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर बर्ड्स के चिरप करने की, उनके चहचहाने की आवाज़। उसके बाद द वॉइस ऑफ हॉकर्स इन द स्ट्रीट, गली में जो हॉकर्स होते हैं अकाब वगैरह, उनकी आवाज़। द रिंगिंग ऑफ द स्कूल बेल, स्कूल बेल के रिंग करने की, उसके बजने की आवाज़। तो ये और भी बहुत सी टाइप्स की जो होती हैं आवाज़ें, ठीक है, हम अपने इर्द गिर्द सुन रहे होते हैं, उनमें से कुछ ये थी। उसके बाद है सम साउंड्स आर लाउड एंड सम आर सॉफ्ट, कुछ जो होती हैं वो साउंड जो होती हैं वो लाउड होती हैं, बहुत ऊँची होती हैं, ठीक है, और कुछ जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है लाउड साउंड में और सॉफ्ट साउंड में? सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू हेयर, जो आवाज़ें हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, ठीक है, उनको प्लेजेंट भी कहते हैं, उनको सॉफ्ट भी कहते हैं। बट लाउड नॉइज इज़ एन अनप्लेजेंट साउंड, लेकिन जो लाउड होती है वो अनप्लेजेंट लगती है, ना खुशगवार लगती है, हमें अच्छी नहीं लगती। विच साउंड डू यू लाइक सिंगिंग ऑफ अ बर्ड, आपको कौन सी आवाज़ पसंद है बर्ड के सिंग करने की, यानी उसके जो बर्ड्स चहचहाते हैं वो आवाज़ पसंद है, या फिर ऑफ नॉइज़ ऑफ रनिंग ट्रैफिक ऑन द रोड, या फिर सड़क पर जो है वो ट्रैफिक जो होता है उसकी आवाज़ें, तो कौन सी आवाज़ आपको पसंद है ये आपने बताना है इस क्वेश्चन में। हाउ डज साउंड प्रोड्यूस, अब साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है? साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन मैटर मूव्स बैक एंड फोर्थ वेरी क्विकली, कोई भी मैटर जब बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जब तेजी से क्विकली मूव करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, या किसी भी चीज़ के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन, वो आगे पीछे जब मूवमेंट होती है उसको वाइब्रेशन कहा जाता है। साउंड इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन समथिंग वाइब्रेट, तो ये इसकी डेफिनेशन में है, जब साउंड ओनली प्रोड्यूस, तब प्रोड्यूस होती है, तब आवाज़ जो है वो पैदा होती है जब कुछ कुछ समथिंग वाइब्रेट, कुछ वाइब्रेट कर रहा हो। साउंड्स आर प्रोड्यूस इन सॉलिड, अब ये सॉलिड में भी प्रोड्यूस होती है, लिक्विड में भी होती है, और गैसेस में भी हो सकती है, ठीक है। इफ वी टच आवर थ्रॉट, अगर हम अपने गले को टच करें वाइल वी आर टॉकिंग, जब हम बात कर रहे होते हैं, अगर आप बात कर रहे हो और उसके दौरान आप अपने गले को टच करो तो आप फील करोगे, वी कैन फील द वाइब्रेशन इन आवर वॉइस बॉक्स, तो हम फील कर सकते हैं कि हमारे जो गले में वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं जिससे आवाज़ बनती है या पैदा होती है वो आपस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करते हैं तो तब वॉइस बॉक्स भी कहते हैं उसको, ठीक है, तो वो जब वाइब्रेट करते हैं उसके वाइब्रेट करने से हमारी आवाज़ जो है वो पैदा होती है या बनती है। स्ट्राइक अ स्पून ऑन द साइड, स्ट्राइक यानी उसको चम्मच को अगर हम कप के साइड पे मारते हैं, ठीक है, स्ट्राइक करते हैं, एंड सी द वाइब्रेशंस, और वो वहाँ पे भी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। मॉस्किटोज जो होते हैं प्रोड्यूसिंग बजिंग साउंड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स, वो जब अपने विंग्स को वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उनसे भी हमें अक्सर आपने ये भी आवाज़ सुनी होगी, बर्ड्स के जो सॉरी मॉस्किटोज के बजिंग आवाज़, बजिंग कर रहे होते हैं वो, ठीक है, तो वो उनके परों से वो आवाज़ पैदा हो रही होती है। When someone speaks, जब कोई बोलता है vibration are produced in the air, तो air हवा में produce होती है vibration and we hear the sound, और हम जो है वो हवा की मदद से उसकी आवाज़ को सुन पाते हैं। A flute यानी बांसुरी जिसको कहते हैं produce sound due to the vibration of air particles, तो ये air particles में जो है वो उसकी मदद से हम जो है इसकी आवाज़ को सुन पाते हैं, ये produce करती है अपनी sound को, ठीक है। Do you know कि आप जानते हैं loons are very interesting bird, ये एक bird है, ठीक है, by their voice, ये अपनी voice की वजह से जो है वो interesting है, दिलचस्प है। When they produce sound, जब वो sound produce करता है it hears as they are laughing, तो जब वो आवाज़ आती है उसकी तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो हंस रहा है, ठीक है, laughing sound जैसे आ रही है उसकी आवाज़ ऐसी है, इसलिए वो अपनी आवाज़ की वजह से जो है वो interesting bird जो है वो माना जाता है या जाना जाता है। साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड जो है वो एनर्जी की फॉर्म में भी जो है हमें मिलती है, कैसे मिलती है?
इसको भी पढ़ते हैं। वी नो दैट एनर्जी कैन डू वर्क, हम जानते हैं कि एनर्जी जो है वो काम के लिए यूज होती है, एंड वर्क इज डन, और काम जो है वो किया जाता है बाय समथिंग इज मूव, जब कोई चीज मूव कर रही होती है तब वर्क हो रहा होता है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि साउंड जो है वो एनर्जी की एक काइंड है, एक टाइप है। वैन वी स्ट्राइक अ ड्रम, जब ये ड्रम हम स्ट्राइक कर रहे होते हैं या बजा रहे होते हैं, द साउंड इज प्रोड्यूस, तो इससे अगर हम ड्रम को स्ट्राइक करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। द साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज द ड्रम स्किन वाइब्रेट, साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये जो ड्रम है ये इसकी स्किन जो है वो वाइब्रेट करी होती है। दिस साउंड वाइब्रेट आवर एयर ड्रम, ये साउंड जो है वो वाइब्रेट करती है हमारे एयर ड्रम को, ठीक है, एंड वी हेयर इट, और हम उसको सुन पाते हैं। लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन प्रोड्यूस लार्जर लाउडर साउंड, जो ज़्यादा अगर एनर्जी से हम, ठीक है, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़्यादा आवाज़ जो है पैदा होगी, ठीक है। इफ़ अ ड्रमर फॉर एग्जांपल, इफ़ अ ड्रमर बीट्स द ड्रम विद अ लॉट ऑफ फोर्स, अगर ये ड्रम जो है, ड्रम बजाने वाला, ड्रमर उसको कहते हैं, अगर ड्रम बजाने वाला काफ़ी ज़ोर से फोर्स लगा के इस पर जो है वो इसको स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो ज़ाहरी बात है इट विल मेक अ लाउड साउंड, ये ज़्यादा आवाज़ जो है वो पैदा करेगी, ठीक है, हमें ज़्यादा ऊंची आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। वी कैन कंक्लूड दैट, इससे हम ये नतीजा निकालते हैं, मच एनर्जी इज इक्वल टू, ज़्यादा एनर्जी से अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ वाइब्रेट कर रहे हैं तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, अगर लेस एनर्जी से कर रहे हैं तो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। वाइब्रेशन अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ साउंड, वाइब्रेशन ही जो हैं वो अफेक्ट करती हैं, असरअंदाज होती हैं वॉल्यूम ऑफ साउंड, साउंड के वॉल्यूम पे। वी कैन ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इट ऑन द सर्फेस ऑफ अ डेक स्पीकर, जो स्पीकर्स होते हैं ना उस पर हम इसको तजर्बा करके, एक्सपेरिमेंट करके भी इसको देख सकते हैं। वन द वॉल्यूम इज़ हाई, जब डेक का जो होता है वॉल्यूम हाई होता है, मोर वाइब्रेशन कैन बी सीन बाय पुटिंग पीसेज ऑफ पेपर और एम्प्टी कैप्सूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्पीकर, तो अगर हम स्पीकर पे कुछ पेपर रख दें, ठीक है, पीसेज उसके या कुछ चीज़ें रख दें, तो वो जब ज़्यादा वॉल्यूम होगा उसका तो वो चीज़ें ज़्यादा जो है वो वाइब्रेट करने की वजह से हमें वहाँ पे वाजह फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। और अगर लो साउंड में है तो सारी बातें वो पेपर पीसेस जो हैं वो इतने नहीं वाइब्रेट करेंगे, लेकिन ज़्यादा वाइब्रेशन से, ज़्यादा लाउड साउंड से वो बिल्कुल वाइब्रेट होंगे। और लाउड वॉल्यूम साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, तो लाउड साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन से। इट शोज दैट लाउड साउंड पोजेसिस मोर एनर्जी देन द सॉफ्ट साउंड, तो इससे साबित होता है कि जो लाउड साउंड है वो ज़्यादा एनर्जी जो है उसके लिए लगती है सॉफ्ट साउंड के नस्बत। हाउ डज साउंड ट्रेवल, साउंड ट्रेवल कैसे करती है, साउंड हमें सुनाई कैसे देती है, इसके लिए भी व्हेन समवन कॉल्स अस फ्रॉम अ डिस्टेंस, जब कोई हमें दूर से बुला रहा होता है, कुछ डिस्टेंस है, कुछ फासले से हमें बुलाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका नेम जो है वो किसी ने कॉल किया है फ्रॉम सम डिस्टेंस, वी हेयर द साउंड, तो आपको वो नाम बिल्कुल सुनाई देता है अपना, ठीक है, वो किस वजह से, इट मीन साउंड ट्रेवल, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई बुला रहा है आपके थोड़े फासले से, ठीक है, और आपको अपना नाम सुनाई दे रहा है, आप उसकी आवाज़ सुन पा रहे हो, तो इट्स मीन साउंड ट्रेवल करती है। बट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल ऑल द टाइम, लेकिन इसको ऑल द टाइम जो है इसको किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, विदाउट मीडियम ये हमें आवाज़ सुनाई ही नहीं दे सकती। द मीडियम में भी गैस, अब वो मीडियम क्या हो सकता है, वो गैस यानी एयर, ठीक है, एयर भी जो है वो गैस का एग्जांपल है, लिक्विड हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, ठीक है, ये सारे मीडियम हो सकते हैं। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट स्प्रेड फ्रॉम इट्स सोर्सेज इन ऑल द डायरेक्शन, साउंड जो है एनर्जी की एक टाइप है जो सारी डायरेक्शन में फैली हुई है। इट इज़ ओनली पॉसिबल वैन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हिट ईच अदर, ये तभी मुमकिन है जब वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो हैं वो आप एक दूसरे को हिट करेंगे, ठीक है, एंड पास ऑन द वाइब्रेशन साउंड, और पास होंगे एज द वाइब्रेशन, उनकी उसकी जो वाइब्रेशन है वो एज साउंड पास होंगी फिर। दैट इज़ वाई साउंड एनर्जी नीड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, यानी इसीलिए साउंड एनर्जी के लिए किसी ना किसी, उसको सुनने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है या ट्रैवल के लिए। साउंड एनर्जी कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम होता है खाली स्पेस, तो वो कहते हैं जी साउंड एनर्जी कैन नॉट ट्रैवल, ये साउंड एनर्जी जो होती है ये ट्रैवल नहीं कर सकती वैक्यूम में, खाली जगह पे, ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टिकल, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़र्रा ही नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है उसके ट्रैवल करने का, तो वो हमें वहाँ पे सुनाई भी नहीं देगी। और हमने पढ़ा है कि साउंड को ऑल द टाइम किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है।
साउंड ऑल्सो लॉस एनर्जी, साउंड जो है वो एनर्जी लॉस करती है एज इट ट्रेवल, जब ये ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, एक जगह से दूसरी जगह. हैव यू एवर ऑब्जर्व, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है दैट अ लाउड साउंड डाइज ऑफ आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर सम डिस्टेंस? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लाउड साउंड होती है, यानी एक डिस्टेंस होता है जहाँ पे हमें लाउड साउंड सुनाई दे रही होती है, ठीक है, जैसे जैसे हम ट्रेवल करते जाएँ वो साउंड कम होती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो हमें सुनना जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है, वो सारा फर्क जो है वो डिस्टेंस का होता है. Have you ever observed कि आपने ये भी observe किया then that when your friend goes away, जब आपका दोस्त जो है वो goes away यानी आगे आगे जाता जाता है, दूर जाता है from you, आपसे, sometime you call, your call does not reach him, तो आपकी आवाज़ उस तक नहीं पहुँच पाती. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो दूर जाता जाता है, ठीक है, वहाँ पे वैक्यूम की वजह से या खाली स्पेस की वजह से आपका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता जाता है, और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो है वो आवाज़ उस तक नहीं पहुँच पाती, या आवाज़ को कोई मीडियम नहीं मिल पाता उसके पार्टिकल्स की एब्सेंस की वजह से. स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटीरियल, अब स्पीड जो होती है साउंड की वो डिफरेंट मटीरियल में स्पीड जो उसकी डिफरेंट होती है. वी नो दैट साउंड ट्रेवल बाय पासिंग ऑन इट्स वाइब्रेशन, हम जानते हैं कि साउंड जो है वो ट्रैवल करती है पासिंग ऑन इट्स वाइब्रेशन, वाइब्रेशन पास करने टू द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में ऑफ सम मीडियम, किसी मीडियम में. द स्पीड ऑफ अ साउंड डिपेंड्स, स्पीड जो है वो साउंड की डिपेंड करती है ऑन व्हाट काइंड ऑफ मैटर इट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू, कि ये किस तरह के जो है वो मीडियम में ट्रैवल कर रही है, इस पर कंसिस्ट करती है, ठीक है. एयर इज़ अ मेड ऑफ गैसेज, एयर जो है वो गैसेस से मिलके बनी है, मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर कहते हैं एयर को. द पार्टिकल्स इन गैसेस आर फार्दर अपार्ट देन इन लिक्विड एंड सॉलिड, जो गैसेस में पार्टिकल्स होते हैं वो गैस लिक्विड और सॉलिड की नस्बत बहुत दूर दूर होते हैं. इट टेक्स लॉन्गर फॉर वन गैस पार्टिकल टू हिट अनदर, तो ये काफ़ी दूर होने की वजह से जो है वो ज़्यादा जल्दी एक दूसरे को हिट नहीं कर पाते एंड मूव द साउंड एनर्जी अलॉन्ग, और जो उनके साथ एनर्जी जो है वो मूव नहीं कर पाती, ठीक है. साउंड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर क्लोजर टुगेदर, जबकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इतने नहीं लेकिन क्लोजर होते हैं एज कम्पेयर टू द गैस पार्टिकल्स, ठीक है. गैस पार्टिकल्स की नस्बत लिक्विड में जो है वो क्लोजर होते हैं. वाटर इज अ लिक्विड, वाटर जो है वो लिक्विड है. साउंड ट्रैवल मोर क्विकली इन वाटर देन इट डज नॉट इन एयर, तो एयर से ज़्यादा जो है वो वाटर में जो है साउंड ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं. पार्टिकल्स इन सॉलिड आर वेरी क्लोजर टूगेदर, तो सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड में जो है वो आपस में टुगेदर क्लोजर होते हैं देन इन लिक्विड, लिक्विड की नस्बत. सो ऑब्वियसली साउंड ट्रेवल द क्विकेस्ट इन सॉलिड, तो जाहिर बात है सबसे ज़्यादा सॉलिड, सबसे कम जो क्लोजर होते हैं पार्टिकल्स वो गैस में होते हैं, ठीक है, उसमें उसके बाद जो ज़्यादा क्लोज होते हैं वो लिक्विड में होते हैं, सेकेंड नंबर पर लिक्विड आता है, तो इसलिए वाटर में से भी जो है वो साउंड ट्रेवल कर जाती है, ठीक है. लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट वो होते हैं सॉलिड में, ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट जो है वो साउंड ट्रेवल करती है. स्पीड ऑफ साउंड इन गैस लिक्विड एंड सॉलिड, गैस में इसकी स्पीड क्या है, इसके 350, ठीक है, मीटर पर सेकेंड. लिक्विड में 1500 मीटर पर सेकेंड, सॉलिड में 6000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो इससे हमें स्पीड से भी अंदाजा हो रहा है कि सबसे ज्यादा क्विकेस्ट जो है वो सॉलिड में होती है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ रैबिट हैज़ वेरी लॉन्ग एयर दैट कैन मूव अराउंड, उसके जो कान होते हैं रैबिट के वो बहुत लंबे होते हैं. दीज एयर्स कैन कैच एनी साउंड वेव, तो ये कोई भी साउंड वेव जो होती है ना उसको वेव सुनाई देती है, ये फ़ौरन कैच कर लेता है. इफ़ एन अदर एनिमल, इसका फ़ायदा क्या होता है, इफ़ एन अदर एनिमल ट्राइज टू कैच अ रैबिट, अगर कोई दूसरा एनिमल जो है वो इसको कैच करने की, इसको पकड़ने की अगर कोशिश करता है, द रैबिट कैन हेयर द साउंड फ्रॉम फार अवे, तो ये दूर से उसकी आवाज़ सुन लेता है. देन द रैबिट हैज़ टाइम टू रन अवे, इसलिए खरगोश के पास ये टाइम होता है कि वो रन कर जाए, भाग जाए वहाँ से, अगर वो उसको कोई एनिमी जो है वो आता सुनाई दे. हाउ डज ह्यूमन एयर रिसीव साउंड, ह्यूमन एयर जो होते हैं वो हमारे कान, इंसानी कान जो होते हैं वो एयर को रिसीव कैसे करते हैं साउंड को, तो ये हम अब पहले भी पढ़ चुके हैं कान के बारे में, पूरा स्ट्रक्चर इसका पढ़ा हमने, ठीक है, सेकेंड चैप्टर में. यहाँ पे दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं, वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर, हम ह्यूमन एयर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं इन चैप्टर टू. हेयर वी शैल सी हाउ इट वर्क्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि हम पढ़ेंगे कि ये वर्क कैसे करता है. तीन हमने इसके पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है, मिडल एयर, इनर एयर, आउटर एयर. तो यहाँ पे आउटर पार्ट जो है पिना,
सबसे आउटर पार्ट पे नहीं होता है, ठीक है, कान का, ऑफ द ह्यूमन एयर डायरेक्ट साउंड इनटू द एयर कैनाल. तो यहाँ से जो डायरेक्ट साउंड आती है वो एयर कैनाल में जाती है, ठीक है. इनसाइड द एयर कैनाल, एयर कैनाल के अंदर द साउंड वेव्स हिट द एयर ड्रम. यहाँ पे एयर ड्रम होता है जहाँ पे हमारी आवाज़ जो है वो जब स्ट्राइक करती है, ठीक है, एयर ड्रम के साथ. द एयर ड्रम कॉजेज थ्री टिनी बोन्स. यहाँ पे तीन छोटी टिनी बोन्स होती हैं, छोटी छोटी, इन द मिडल एयर में टू वाइब्रेट, ठीक है. बिकॉज ऑफ दीज देयर शेप्स, उनकी शेप की वजह से द बोन्स आर नेम्ड द हैमर. उनकी शेप की वजह से उनको ऐसे नाम दिए गए, जैसे हैमर, स्टिरअप एंड एनविल. ये उन तीनों बोन्स के नाम हैं जो हमारे मिडल एयर में प्रेजेंट होती हैं. देन द वाइब्रेशन मूव इन टू द कोकलिया इन द इनर एयर. अब वहाँ से वाइब्रेशन, यहाँ पे एयर ड्रम पे जो साउंड आएगी डायरेक्ट पिना से वो एयर कैनाल में जाएगी, एयर कैनाल से एयर ड्रम पे स्ट्राइक करेगी. जब स्ट्राइक करेगी तो जाहिर बात है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी. जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो वो वाइब्रेशन मूव कर जाएगी. यहाँ पे एक स्नेल, स्नेल लाइक जैसे स्ट्रक्चर का एक बना होता है, कोकलिया कहते हैं उसको, वहाँ पे जाती है और वहाँ से हमें सही जो साउंड सुनाई देती है वो इस कोकलिया से ही सुनाई देती है. द कोकलिया इज अ स्नेल शेप्ड, ये स्नेल शेप्ड का होता है ऑर्गन विच इज फिल्ड विद द लिक्विड. जो लिक्विड से फिल हुआ होता है. वेन द लिक्विड इन द कोकलिया स्टार्ट टू वाइब्रेट, जब वो लिक्विड स्टार्ट करता है वाइब्रेट करना, टिनी हेयर्स इन द कोकलिया मूव. तो जो यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. दे कन्वर्ट द वाइब्रेशन इन टू सिग्नल्स, वो उस वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं सिग्नल्स में. दीज सिग्नल्स ऑफ साउंड ट्रेवल अलॉन्ग द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन. अब वो जो सिग्नल्स होंगे वो साउंड ट्रेवल के वो ट्रेवल करेंगे अलॉन्ग द ऑडिटरी नर्व. ये ऑडिटरी नर्व होती है जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है. तो जाहिर बात है जब हमें कोकलिया में साउंड सुनाई देगी वो कन्वर्ट करेगा उसको सिग्नल्स में, सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाएंगे और फिर हमारा दिमाग हमें ये मैसेज देता है या बता देता है कि भैया आपने ये वाला जो है वो बात सुनी है या ये साउंड सुनी है आपने, ठीक है. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है जिसमें सबसे पहले हमारे पास है राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ई स्टेटमेंट. स्टेटमेंट को पढ़ के हमारे पास जो सही आंसर है वो हमने राइट करना है. सबसे पहले है साउंड मूव्स द क्विकेस्ट थ्रू इट. साउंड जो है वो सबसे ज्यादा किसमें मूव करती है, तो हमें पता है कि साउंड जो है वो क्विकेस्ट मूव करती है सॉलिड में. उसके बाद है स्पीड ऑफ साउंड इन इट्स इन इट इज 350 मीटर्स पर सेकेंड. 350 मीटर पर सेकेंड हमने अभी पढ़ा कि गैस में होता है और सॉलिड में 6000, ठीक है. कैरी सिग्नल्स ऑफ साउंड टू द ब्रेन, कौन सी वो आवाज को सिग्नल्स, आवाज के सिग्नल जो है वो ब्रेन तक कौन लेके जाता है, ऑडिटरी नर्व. इसके बाद है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूवमेंट जो होती है उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन. सर्कल करना है हमने सही आंसर को. साउंड वेव ट्रेवल मोस्ट क्विकली थ्रू, मोस्ट क्विकली जल्दी इसमें मूव करती है सॉलिड में, ठीक है. व्हेन डज आवर बॉडी यूज मोर एनर्जी, जब हमारी हमारा जो हमारी बॉडी है वो कब ज्यादा एनर्जी को यूज करती है. व्हेन वी क्राई ओवर अदर्स. तीसरा है द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज, स्टील में इसकी स्पीड क्या होती है, 6000 मीटर पर सेकेंड. साउंड ट्रेवल द स्लोएस्ट इन, सबसे स्लोएस्ट किसमें ये करती है, गैस में यानी एयर में. विच ग्रुप ऑफ पीपल इज अनएबल टू हेयर वन अनदर, आवाज जो है लोगों का कौन सा वो ग्रुप है जो एक दूसरे को सुनने के काबिल नहीं होता, जो नहीं सुन पाता, वो होता है ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून. जो चांद पे जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो एक दूसरे को सुन नहीं पाते, अ ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स. सिमंत क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रूव दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. प्रूव करना है कि साउंड जो है वो एनर्जी की एक टाइप है. तो इसका आंसर है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है हमारे पास. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज साउंड ट्रेवल, साउंड जो है वो ट्रेवल कैसे करती है. तो ये क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास. इसके बाद है हाउ डू वी हेयर साउंड, हम आवाज़ को कैसे सुन पाते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, इसका आंसर है. इसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं एक्सटेंड योर थिंकिंग क्वेश्चंस. सबसे पहले हमारे पास है व्हाट हैपन इफ यू स्प्रिंकल पेपर पीसेस ऑन अ ड्रम हेड एंड देन हिट द ड्रम स्टिक.
अगर आप एक ड्रम पे उस पे उसकी सरफेस पे उसकी सतह पे कागज के छोटे छोटे टुकड़े रख देते हो, तो उसको जब स्ट्राइक करते हैं आप तो क्या होता है? तो व्हेन वी स्प्रिंकल पेपर पीसेस ऑन अ ड्रम हेड एंड देन हिट द ड्रम स्टिक, द ड्रम स्किन वाइब्रेट, दैट इज वाई पेपर पीसेस स्टार्ट वाइब्रेटिंग. तो वो पेपर पीसेस भी जो होंगे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. सेकेंड है, कुड साउंड फ्रॉम आर रेडियो ट्रेवल थ्रू आर रूम विद नो एयर, एक्सप्लेन. क्या रेडियो की आवाज़ एक कमरे से एक ऐसे कमरे में ट्रेवल कर सकती है जिसमें हवा ना हो? तो वजाहत करें, इसको एक्सप्लेन करना है. इसका आंसर है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट स्प्रेड फ्रॉम इट्स सोर्सेज इन ऑल द डायरेक्शंस. इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड पास ऑन द वाइब्रेशन एज साउंड. इफ देयर इज नो एयर एंड द रूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम रेडियो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टिकल्स. तो वो नहीं कर सकती, ठीक है, मूव नहीं कर सकती, सॉरी ट्रेवल नहीं कर सकती अगर कोई एयर नहीं है वहाँ पे, उसका कोई मीडियम नहीं है. तीसरा है, डज साउंड मूव फास्टर थ्रू द एयर कैनाल और थ्रू द टिनी बोन्स इन द मिडल एयर. क्या आवाज़ जो है वो एयर कैनाल में से तेज़ी से सफ़र करती है या जो वो छोटी छोटी बोन्स होती हैं उनमें से? तो इसका आंसर है, द आउटर पार्ट पिना ऑफ द ह्यूमन एयर डायरेक्ट साउंड इन टू द एयर कैनाल. इन साइड द एयर कैनाल द साउंड वेव्स हिट द एयर ड्रम. द साउंड वेव्स मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट. द एयर ड्रम कॉजेज थ्री टिनी बोन्स इन द मिडल एयर टू वाइब्रेट. साउंड मूव फास्टर थ्रू सॉलिड देन लिक्विड और गैस. सो देयर फॉर हेयर साउंड मूव्स फास्टर ड्यू टू दीज बोन्स, ठीक है, बोन स्ट्रक्चर. तो बोन स्ट्रक्चर में से ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ जो है वो ट्रेवल करेगी. उसके बाद एक्सप्लेन हाउ कवरिंग द एयर कैन कीप अ पर्सन फ्रॉम हेयरिंग अ साउंड. इसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह जो कानों का वो जो ढांपना एक शख्स को आवाज़ सुनने से रोकता है. कवरिंग द एयर, अगर कवर कर लिया जाए, कवरिंग द एयर कैन कीप अ पर्सन फ्रॉम हेयरिंग अ साउंड बिकॉज देयर इज एयर एज अ मीडियम फॉर साउंड प्रोपोगेशन. व्हेन समवन कवर्स हिज एयर, जब कोई अपने कानों कवर कर लेता है, द वाइब्रेशन ऑफ साउंड डू नॉट एंटर हिज एयर्स. तो वो वाइब्रेशन जो है वो एंटर ही नहीं होती हमारे कानों में. हाउ डज साउंड बी हार्मफुल एंड हेल्पफुल. साउंड जो है वो कैसे हेल्पफुल है और कैसे हार्मफुल है. Noise causes disturbance, it causes anxiety, depression, headache and such other physiological problems. It may also helpful. ये helpful भी होती है, ठीक है. We get knowledge, information and guidance through sound. We cannot communicate easily with one another या without sound, ठीक है. Without sound जो है वो हम communicate नहीं कर सकते. Why is there no sound here in vacuum? Vacuum में क्यों कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती? Sound energy cannot travel in vacuum because due to the absence of any particle, so there is no sound here in vacuum. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, a bird sitting in a tree hears the chirping of another bird. A whale hears the song like sound made by another whale swimming near it. Which sound travel faster, the bird chirping of the whale sing ऑफ द वेल्स सिंगिंग? एक्सप्लेन कि कौन सी आवाज़ जो है वो वेल की सिंगिंग की या फिर बर्ड्स के चिरपिंग की, कौन सी आवाज़ जो है वो ज़्यादा तेज़ से ट्रैवल करेगी? तो इसका आंसर है, साउंड ट्रैवल फास्टर इन वाटर द एयर देन एयर. दैट इज़ वाई सिंगिंग साउंड ऑफ वेल्स ट्रैवल फास्टर देन द बर्ड्स चिरपिंग, ठीक है. कॉन्सेप्ट मैप है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ द हाउ यू हेयर साउंड. तो इसका ऑर्डर सही, सबसे पहले एयर कैनाल, ठीक है, वहाँ पर जाती है. उसके बाद एयर ड्रम से स्ट्राइक करती है. ठीक है, एयर ड्रम से स्ट्राइक करने के बाद फिर हैमर के बाद कोकलिया, उसके बाद हमारे ब्रेन तक. तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड हो रहा है. अगर पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़.